हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के और उसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की डिस्कवरी करी थी सर जॉर्ज एवरेस्ट ने, माउंट एवरेस्ट की लोकेशन की डिस्कवरी, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा है माउंट एवरेस्ट। वो उस टाइम पे सर्वेयर जनरल थे इंडिया के, 1830 से लेकर 1843 एडी के टाइम पीरियड की बात है। इससे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम था पीक 15। आगे माउंट एवरेस्ट की लोकेशन दे रखी है, इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं बट इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम इसकी एवरेज मेजरमेंट की बात करें तो माउंटेन रेंज की मेजरमेंट 1954 में हुई थी अलग अलग जगह से, तो उस टाइम पे जो इसकी हाइट थी वो थी 8848 मीटर। बट उसके बाद 5 मई 1999 को विद द हेल्प ऑफ GPS सैटेलाइट, जियोग्राफिक सोसाइटी ने ये कंफर्म किया था कि जो माउंट एवरेस्ट की वो हाइट है वो है 8850 मीटर। अब जो माउंट एवरेस्ट है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, जिसकी वजह से इसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। जो यंग फोल्ड माउंटेन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, तो इस साइड से भी प्रेशर पड़ रहा है, इस साइड से भी, तो प्लेट दोनों साइडों से खिसक रही है जिसकी वजह से एक दूसरे की तरफ आ रही है प्लेट, तो जिसकी वजह से जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो बढ़ रही है। अब पहले इसकी हाइट थी 8848 मीटर, तो बाद में इसकी हाइट होगी 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कुमालंगमा भी बोलते हैं, कुमालंगमा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ आइस। इसको नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा, सागरमाथा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे पहले ऐसे पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे 1953 में, ये दोनों के दोनों ही न्यूजीलैंड के थे। मैसनर एंड हैबलर ये पहले ऐसे थे जो माउंट एवरेस्ट पे विदाउट ऑक्सीजन चढ़े थे, ये कब चढ़े थे, 8 मई 1978 को। नवांग गोम्बू पहले ऐसे पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट पे दो बार चढ़े थे, फर्स्ट टाइम ये अमेरिकन एक्सपेडिशन के साथ गए थे, फर्स्ट में 1963 को, और सेकंड टाइम ये इंडियन एक्सपेडिशन के साथ गए थे 20 मई 1965 को। नवांग गोम्बू जो है वो तेंजिंग नॉर्गे के नेफ्यू ही है। जिम विटॉकर फर्स्ट अमेरिकन थे जो सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे 1 मई 1963 को। अब ये जो एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के थे, अब जिम विटॉकर फर्स्ट अमेरिकन है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये फर्स्ट अमेरिकन है जो माउंट एवरेस्ट पे सक्सेसफुली चढ़ गए थे। जंको तबई जापान की फर्स्ट वोमेन है, वर्ल्ड की फर्स्ट वोमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी 1975 में। बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वोमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी 23 मई 1984 को। लीडिया ब्रेडे न्यूजीलैंड की फर्स्ट वोमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे विदाउट ऑक्सीजन चढ़ी थी 22 मई 1988 को। फू तोर्ची फर्स्ट इंडियन है जो माउंट एवरेस्ट पे विदाउट ऑक्सीजन गई थी 5 मई 1984 को। कामी रीता शर्पा नेपाल का ये एक ऐसा पर्सन है जो माउंट एवरेस्ट में 23 टाइम्स चढ़ चुका है टिल 21 मई 2019। जो कामी रीता शर्पा है ये एक नेपाली टूरिस्ट गाइड है, तो इसलिए ये 23 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुका है। फर्स्ट टाइम ये 24 ईयर्स की एज में चढ़ा था 1994 में, तो अभी 23rd टाइम ये 2019 में चढ़ा था। जॉर्डन रोमेरो अमेरिका का है, ये वर्ल्ड का यंगेस्ट मेल है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था एट द एज ऑफ 13 ईयर्स की एज पे ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था ऑन 22 मई 2010 को। मालवेथ पूर्णा ये यंगेस्ट फीमेल है वर्ल्ड की जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी एट द एज ऑफ 13 25 मई 2014 को। अब देखो छोटे छोटे बच्चे भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने लगे हैं। राघव जुनेजा जो कि मुरादाबाद यूपी का है, ये यंगेस्ट इंडियन मेल है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था एट द एज ऑफ 15, कब चढ़ा था 21 मई 2013 को। ही वॉज द मेंबर ऑफ फर्स्ट स्कूल लॉरेंस टीम इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा राघव के साथ 5 और स्टूडेंट भी थे इसकी टीम में। अर्जुन वाजपेयी जो कि नोएडा यूपी का है, वो माउंट एवरेस्ट पे 16 ईयर्स की एज पे चढ़ा था 13 मई 2010 को।
अब अगर आप तिब्बतन साइड से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हो ना, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए वहां पे कोई भी एज बार नहीं है। आप कितनी भी एज के हो, आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हो। टॉम विटेकर ये फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन था जो अपनी आर्टिफिशियल लेग के साथ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था 1998 में। क्रिस बॉम्बार्डियर जो कि डेनवर अमेरिका का है, ये फर्स्ट ऐसा पर्सन है जिसको हीमोफीलिया की बीमारी थी, फिर भी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था 22 में 2017। वो अब हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं बनता, अगर आपके चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट नहीं बनता। इसके अलावा जो क्रिस बॉम्बार्डियर है वो ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट की हाइएस्ट पीक पे चढ़ा है एक्सेप्ट माउंट विंसन। माउंट विंसन आती है अंटार्कटिका में। तो अब देखो क्रिस बॉम्बार्डियर के गट्स, हीमोफीलिया होते हुए भी वो हर कॉन्टिनेंट की हाइएस्ट पीक पे चढ़ा है। सो दिस इज ऑल अबाउट माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट हम करेंगे अंटार्कटिका। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।